हेलो गाइस, आज हमारा डे 332। तो भाई आज के दिन की शुरुआत करते हैं। भाई हम करने वाले हैं अपनी जो खेती है ये छोटी सी, इसका विस्तार आज। अब थोड़ा इधर को और कर दे रहे हैं, एक दो आइटम यहाँ भी बो देंगे। तो उसके लिए भैया सफाई तो कर दी है, एक दो बांस गाड़ना पड़ेगा इधर और इधर और यहाँ थोड़ा सा, मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि जानवर ना आए इसमें। तो भाई शुरुआत करते हैं पहले गड्ढे से, एक यहाँ करेंगे एक बीच में कर देंगे, फिर ये दोनों तरफ से कवर हो जाएगा फाइनली। भाई इसे बोलते हैं बेलचा, सब्बल भी बोलते हैं, इसकी मदद से ही गड्ढे करे जाते हैं भैया हमारे इधर तो कम से कम। ऑलमोस्ट एक घंटा हो चुका है धूप में और हालात देखो मेरे भाई, पसीना पसीना हो गए हैं। गड्ढे तो मैं दिखा दे भाई, एक यहाँ है एक वहाँ, दो गड्ढे हैं। मैं अब बांस लगा के बांध के काम ख़त्म हो जाएगा, गर्मी बहुत हो रही है। दो घंटे हो चुके हैं, अब तो मैं दिखाता हूँ कि मेरा जो काम है वो कितना हो चुका है। देखो बस ये साइड में ये लगाने बाकी हैं। सो गाइस, इस काम को ख़त्म करने के बाद नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद तुम्हें दिखाएंगे जो कल हम कैमरा लाए थे चोर बाजार से वो कैसा है, प्राइस वगैरह बताएंगे और तुम्हें ओवरऑल लुक दिखा देंगे उसका कैसा है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं कमेंट करके बताना तुम। है 11 बजे से, 1 बज चुका है मुझे। देखो भाई मेरा काम ऑल इज डन। तो भाई अब नहाते हैं धोते हैं चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। सो भाई काम ख़त्म होने के बाद नहा धो लिए हैं और भाई खाने में है दाल, ये सलाद है, टमाटर की चटनी है और रोटी है। अब करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे कल की वीडियो एडिट और शाम को जिसे डालेंगे हम। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, वीडियो एडिट करते हैं इसके बाद। सो गाइस शाम के 6 बज रहे हैं, हम बैठे हैं छत पे और इसका रीज़न ये है, दिखाएंगे वो कैमरा जो कल हम लाए थे दिल्ली से। दिल्ली चोर बाजार गए थे वैसे कैमरा लेने, लेकिन वहाँ मिला नहीं था हम, हमें मिला था वो कैमरा भाई दिल्ली चांदनी चौक मार्केट से। भाई कैमरे की मार्केट है पूरी, एक बार आप भी विजिट करना। तो भाई बिना वक्त गवाए तुम्हें दिखाते कैमरा हम। सो गाइस ये है वो कैमरा, निकोन, निकोन का नहीं है वैसे, पैनासोनिक का है। तुम्हें दिखाते हैं कैमरा अपना, ये है भाई कैमरा पैनासोनिक लूमिक्स का है। और भाई ये टच स्क्रीन है इसकी, देखो भाई ये टच स्क्रीन है, रोटेट भी हो जाती है ये। तो भाई ऐसा कैमरा तो मैंने भी आज से पहले चलाया नहीं है, हमारे पास जो पहले था अब भी है, मतलब वो है कैनन 1200D। उसमें भाई इसमें फ़र्क ये है कि भाई उसमें जो लेंस जो हमारा वो हट जाता है, इसमें लेंस हटता नहीं है। मास्टर खालिद यूट्यूब चैनल जो है, तो भाई उस पर जो वीडियो आया करेंगे ना वो इससे ही आ करेंगे। अब इसकी जो फुल डिटेल है वो किसी और दिन बताएंगे तुम्हें फुर्सत में। सो गाइस कैमरा तुमने देख लिया और भाई इसके बाद हम चलते हैं गाजियाबाद, फेमस गाजियाबाद का फेमस कबीनगर का मेला, मज़ा आने वाला भाई फुल एकदम। मिलते हैं कबीनगर मेले में सीधे। सो गाइस पहुँच चुके हैं कबीनगर के मेले में, मुंशी कुणाल अमित यानी आ जाओ भाई। भाई साहब व्यू देखो पहले तो तुम, एकदम तो मस्त व्यू है। सो गाइस हमारा जो टारगेट है वो हैमर में झूलने का है, हैमर इधर की साइड जो है।
अब यूँ नहीं मानना ना भाई, मैं ना झूल लो। अरे झूल ले मुंशी, यार यू डरा इतना, झूले में नहीं झूलना, अब लड़की है तू। अब हम तेरे गैल बैठेंगे झूले में। नमस्कार, तेरे पैसे भी देंगे हम ना, देने ना मुंशी। यार भाई देख लो यार, झूल ना रहे हो हमारे गैल। भाई जो जैसे कर रहे हैं मेरे साथ कुछ होगा तो। अरे कुछ ना हो यार, हम आएंगे ना, कुछ ना होगा। अरे भाई ये झूले में, ये तो तैयार है झूले में झूलने को, तैयार नहीं है ना भाई। मैं पता ना क्यों डर रहा यार, इधर लड़की भी झूली, लड़की लड़की है भाई, लड़की भी झूलने पर यूँ नहीं मानना। चल मुंशी यार, नहीं तो देखियो झूलने को तैयार है। चले काम कर, कोई भी पैसे मैं दूंगा और बता। कोई भैया भाई यार, ये तो बहुत डर है यार। चलो गाइस, ऐसे व्यक्ति हो तुम भी कमेंट में नाम बता दो जो डरते हैं झूले के साथ, और तुम्हें दिखाते हैं मेला, उसके बाद झूलेंगे। सो गाइस, यू है मेले का सबसे एक्सपेंसिव एरिया, महंगा, रुकते जा, सबसे महंगा एरिया है यू। देखो भाई, इस एरिया में हम तो जा नहीं सकते, इस एरिया में गाजियाबाद के असली लोग, मतलब जो पैसे वाली पार्टी, वही जा सकती है। हाँ हमारे बस की ना भाई, इंगे जाना, हम तो 10-20 रुपए गोलगप्पे खा सके हैं बाहर के ठेली पे, वो भी अंदर तक हम ही ना। और इधर के स्टॉल वगैरह हैं, पिज़्ज़ा वगैरह हैं, पर भैया यहाँ पैसे वाली पार्टी खाते खाना, हमारे तो बाहर है मेले से। बाकी स्टॉल एक से एक भाई, देखो भाई स्टार्टिंग ही कम से कम 150-200 से स्टार्टिंग है यहाँ की। VIP लगा यहाँ का है। तो भाई हमें तो ये जगह मिली है सीता रसोई, 50 रुपये प्लेट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ भीड़ है। आ जाओ सो गाइस, हम आ चुके हैं एंड ऑफ द मेला, मतलब स्टार्टिंग के गेट से लास्ट में। भाई इसके पीछे होने वाली है रामलीला। तो भाई 4 सेक्शंस में लाइनें हैं, एक वो है, 2-3 और एक 4। 4 सेक्शंस में डिवाइड है, मतलब 4 भागों में यहाँ से, और लास्ट में एक हो जाता है। तो भाई इधर कपड़े वगैरह हैं और सजाने का सामान है, घर को डेकोरेशन का सामान। नकली सांप लेना है मुंशी? भाई सारी असली बंदूक है, हमला कर दो इन पर। नाइस, तो भाई इस टाइम हम खड़े मिड में खड़े हैं, ऑलमोस्ट मेले के मिड में है। देखो भाई यहाँ से चारों तरफ का नजारा है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द मेला। 2 सेक्शन हमने छोड़ दिए हैं, 2 सेक्शन कवर कर लिए, ये वाले और VIP वाला और गरीब वाला। अब हमारा मेन टारगेट है हैमर, हैमर में झूलना है और वीडियो बनानी है रिएक्शन के साथ। भाई इसे झुलाओ यार मुंशी, चल रहे है यार, ही चल नहीं रहा। सुपर सॉफ्टी भैया यहाँ की फेमस रहती है हमेशा, कवि नगर मेले की सबसे बढ़िया लगता है मुझे ये भैया, छोटे छोटे जो अपने आइटम लेके मेले में स्टोर लगाते हैं बेचारे, सबसे बढ़िया चीज लगती है मुझे ये। आजा, हाँ ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? भाई साहब किसी को प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी हो वो भी अवेलेबल है, पर मुझसे कांटेक्ट करना पहले, तब दिलवाऊंगा। डिस्काउंट मिल जाएगा तुम लोगों को, हमारे में बहुत कम लोग झूले हैं, तो दोबारा हो चुके हैं स्टार्ट झूले। उधर की साइड तो दिखा दी, इधर की साइड रह रहे हैं। हाँ भाई इसमें झूलना हमें हर रिएक्शन के साथ, 150 रुपये का टिकट है अभी। भाई साहब आवाज़ आ रही हो तो आवाज़ सुनो पहले, तुम चिल्लाने की आवाज़ आ रही है यार, वही हमें रिकॉर्ड करना, यही तो रिकॉर्ड करना है मुंशी हमें।
इधर ले चलो मुंशी को। ए मुंशी आ ना 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 यार डर क्यों रहा है। आज भाई भाई रेडी हो चुके हैं। हमारी रिएक्शन की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और भाई मजा आएगा पूरा भाई फुल मजा आया फुल। और लड़की कैसे कर रही है भाई? लड़की चिल्ला रही थी डर रही। भाई साहब यू इस बार नया है इस झूले में खासकर कवि नगर वाले में। भैया नेक्स्ट अगली बार कौन से झूले का रिएक्शन ले कमेंट करो जल्दी से जल्दी। जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतना मजा आएगा वीडियो में। भाई चला भाई चलो चला मुंशी भैया मेले के बाद आ चुके हैं पहलवान पराठा खाने। भाई मैं तो आराम से खाऊंगा। भीड़ लग रही है भाई साहब बहुत बढ़िया वाली भीड़ हो रही है। आलू प्याज मुंशी वहाँ का भी टेस्ट ऐसा ही है। आलू प्याज का पराठा आ चुका है। हाँ भाई रिएक्शन बता भाई। भाई बढ़िया बढ़िया मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ कल। बाय बाय।